हेलो गाइस, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेफोडॉक्सिन दवा के बारे में। तो इस दवा की पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, जैसे कि इसके यूजेस की, इसके डोज की, इसके साइड इफेक्ट की और इसके ब्रांड नेम की और स्ट्रेंथ की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें और बने रहें आखिर तक। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सेफोडॉक्सिन क्या है गाइस? सेफोडॉक्सिन एक एंटीबायोटिक है जो कि सिफोलोस्पोरिन ग्रुप के थर्ड जनरेशन की दवा है एंटीबायोटिक में, और इसके बहुत सारे ब्रांड नेम से अवेलेबल रहती है। जैसे इसके फेमस ब्रांड नेम जो है गुडसेफ ओरल सस्पेंशन, स्विच ओरल सस्पेंशन और मोनोसेफ ओरल सस्पेंशन, सेफोप्रोक्स ओरल सस्पेंशन, जेडोसेफ ओरल सस्पेंशन। गाइस बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ की, किन किन स्ट्रेंथ से ये आपको मार्केट में मिलेगी। तो इसकी सबसे फर्स्ट जो आती है ड्रॉप आती है 10 ml की इसकी, जिसमें 25 mg/ml में होता है। इसकी सेकेंड जो आती है वो आती है 30 ml का सिरप आता है, जिसमें 50 mg/5 ml में होता है सेफोडॉक्सिन। और इसकी थर्ड जो आती है उसमें होता है वो आती है वो 50 ml की, उसमें 100 mg/5 ml में सेफोडॉक्सिन होता है। अब बात करते हैं गाइस इसके यूजेस की, कि ये इसको किन किन यूज में दिया जा सकता है आपके डॉक्टर द्वारा। तो इसको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को ग्रोथ कम करने के या उसको मुकिल करने के लिए इसको दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि RTI में कोई भी इन्फेक्शन है, इसमें खांसी हो या साइनसाइटिस हो या न्यूमोनिया हो या फिर बुखार हो, कॉमन कोल्ड हो किसी भी बच्चे को, तो उस कंडीशन में ये आपके डॉक्टर द्वारा आपको दिया जा सकता है, आपके बच्चे को दिया जा सकता है। इसमें सेकेंड जो आता है ईयर इन्फेक्शन, यानी कि कान में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसको दिया जाता है। उसके अलावा टॉन्सिलाइटिस हो किसी के गले में हलक में, उसमें भी ये काफ़ी असरदार देखा गई है। और फेरिंजाइटिस हो अगर किसी को तो भी इसको दिया जाता है आपके बच्चों को। इसके अलावा जो इसका यूज होता है वो होता है UTI इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये काफ़ी असरदार देखी गई है। जैसे कि पेशाब में जलन हो रही है आपके बच्चे के, या पेशाब करते टाइम दर्द हो रहा है, या पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, या फिर पेशाब में पस सेल जा रही है, तो इस सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक आराम देता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। इसमें और जो इसका यूज़ होता है वो होता है स्किन इन्फेक्शन, यानी कि स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसमें काफ़ी अच्छी साबित होती है। जैसे कि स्किन में सूजन होना या फिर पस पड़ना उसके अंदर, या फिर एक्ने पिंपल वगैरह मुहासे वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें भी ये दी जा सकती है डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा आप ये यूज़ में ली जाती है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के, यानी कि किसी बच्चे को यदि चोट लग गई है तो उसमें जख्म को सुखाने के लिए इस दवा को दिया जाता है, तो काफ़ी हद तक ये जख्म को ठीक कर देती है। या फिर किसी के सर्जरी हुई है किसी बच्चे के, तो उसकी सर्जरी में भी इसको दिया जाता है, तो भी ये उसमें भी काफ़ी अच्छी साबित होती है। और इसके अलावा आई इन्फेक्शन, यानी कि आँखों में कोई भी दिक्कत आ रही है बैक्टीरियल की वजह से, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। और अगर किसी बच्चे को टाइफाइड फीवर चल रहा है तो टाइफाइड में भी इसको दिया जाता है, तो ये ठीक कर देती है टाइफाइड को भी। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। इसके कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर स्किन पर रैशेस आ सकते हैं। ये इसके कॉमन से साइड इफेक्ट थे गाइस। अब बात करते हैं इसकी डोज की। याद रखें गाइस, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप इनको लेंगे तो ये आपको हार्म पहुंचा सकती हैं या साइड इफेक्ट दे सकती हैं। तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। और तो इसके नॉर्मल कॉमन डोज होती है वो होती है 2 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चों को 5 से 8 mg/kg दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई 10 किलो वेट है किसी बच्चे का, तो उसमें 50 mg सुबह और 50 mg शाम आपको आप उसे दे सकते हैं। और बाकी जो डोज डिपेंड करती है वो पेशेंट की सीवियरिटी और आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या कंडीशन है पेशेंट की, या आपके डॉक्टर उसको अपने हिसाब से डोज देता है कैलकुलेट करके। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी डोज 400 mg तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी डोज नहीं दी जाती। इसको 7 दिन से लगा के 10 दिन तक दिया जा सकता है, तो उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। तो आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।